दोस्तों, क्या हाल चाल? उम्मीद का तो ऐसा खैरियत से होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में करने को तो कुछ नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखे छत की, माशाल्लाह सारी सफाई हुई पड़ी है। सिर्फ ये वाली जो साइड है ना, ये रहती है साफ़ होने वाली। और इस छत का जो सारा गंद है ना, वो उठाकर मैंने उस बोरे के अंदर डाल दिया है। बड़ी मेहनत की है जी। और चलती हैं जी अब अपनी सबसे पहले पोगो की तरफ। पोगो को मैंने इधर रखा हुआ है, इस साइड पर दरवाज़ा खोला है। मिट्टी देखे कितनी ज़्यादा है अंदर, चूज़े जो है ना इंजॉय कर रहे हैं। ये मैंने बाजरा डाला था थोड़ा सा, ताकि बाजरा भी खा लें, इन्होंने वो भी खाया है। नहा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं अपनी। और दोस्तों, आज हमारी जो रानी है ना, उसने तीसरा अंडा दे दिया माशाल्लाह। वो मैंने सुबह टाइम उठा कर नीचे रख लिया था। इस साइड पे दोस्तों मैंने किया हुआ है जी अपना जो बेंगा मैना मुर्गा, इसको बंद किया हुआ है इस साइड पर, क्योंकि दोस्तों ये उस साइड पर ना बहुत ज़्यादा लड़ता है उन सब के साथ। ये नहीं बात आता, ये देखे इसके जो फेस है ना, इस पर कितनी ज़्यादा चोटें लगी हुई हैं। मैंने इसको बहुत हटाने की कोशिश किया लेकिन नहीं हटता जी। ये चेक करें माशाल्लाह। हाँ भी ज़रा पीछे हो गए, दोबारा आ गए हैं। ये चेक करें जी। और हमारी मुर्गी ने भी अंडा दिया हुआ था, ब्लैकी ने, वो अंडा भी मैंने उठा लिया। तो चलते हैं जी अब दूसरी साइड की तरफ। और ये चेक करें जी हमारी रानी, इसने माशाल्लाह तीन अंडे दे दिए हुए हैं। और ये हमारी दूसरी ब्लैकी घूम रही है, बाजरा इन सबको डाला हुआ है। ये रैबिट्स को भी डाला, ये देखे ये भी खा रहे हैं। हमारा राजा भी खुला हुआ है, इसकी जो ब्लैक मुर्गी है जी किलीता जी, वो भी खुली है। पप्पू भी इंजॉयमेंट कर रहे हैं जी सारे। और दोस्तों हमारा जो किंग है ना, वो आने वाला है कुछ देर तक। भाई कह रहे थे मैं आपको पकड़ा जाता हूँ घर में, तो थोड़ी देर तक वो आ जाएगा। बाकी इसको मैंने दाना और पानी डाल दिया है, इसको भी मैंने दाना डाल दिया। इसका सिर्फ पानी रहता है रखने वाला, हमारी जो फाख्ता है इसका माशाल्लाह पर अब निकाल रही है। तो कुछ लोगों का ना, मुझे कुछ लोगों ने मुझे ऐसे कहा कि भाई इसको आज़ाद ना करें, नहीं तो इसको कोई चील कौवा मार कर खा जाएगा। तो आप इसके लिए ना एक फीमेल लेके आएँ और वो इसके साथ छोड़े। आप कमेंट में बताइएगा लाजमी कि इसको आज़ाद किया जाए या इसकी जो फीमेल है उसको लाया जाए, मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट में। राजू को दोस्तों मैंने इधर ऊपर बंद किया है, नीचे बंद इसलिए नहीं करता क्योंकि ये राजे के साथ ना बहुत ज़्यादा लड़ता है जी, जिसकी वजह से ना मैंने इसको बंद किया हुआ। ये चेक करें जी, एक काम और ख़राब होने लग गया। हो भी गया है, नहीं भी हुआ। ये देखे जी इसकी ये कुंडी जो उनसी है ना, ये उतर गई है, ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, और ये ऐसे लगता है। और ये जो उनसा है ना, ये थोड़ा सा बाहर आ चुका है। इसको मैं कहता हूँ खोल के ना थोड़ा सा दबा ही दूँ, ये थोड़ा सा दब गया है, आसरा ही है, बाद में इसको मैं करूँगा। और दोस्तों ये चेक करें, ये घोंसले जैसी जो जगह बनी हुई है ना, इस साइड पे हमारी जो रानी है ना, वो अंडे दे रही है। और माशाल्लाह तीन अंडे इसके जो पूरे हो गए हैं। और अब देखते हैं जी और कितने अंडे देगी है, उसके बाद होगी ये कुड़क, फिर देखते हैं जी इसको बिठाएँगे किधर। उससे पहले जो हमारी काली किलीता जी है ना, ये ब्लैक कलर की किलीता जी, ये जोंसी है, ये कुड़क होगी। इसके अंडे जो मेरे पास है ना, 8-9 हो चुके हैं। अब देखते हैं जी ये कब कुड़क होती है, और हमारी जो रज्जू है इसको देखते हैं जी ये कब अंडे देती है। और दोस्तों आपको एक और बुरी खबर बतानी थी मैंने, हमारी जो हीर है ना, वो अकेली रह चुकी है। मैं आपको भी दिखाता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा साइड पर करूँ। ये देखे जी लैला मजनू दोनों अंदर हैं जी। मजनू जो अंडों पे बैठा हुआ है, लैला इधर खड़ी है जी। बाजरा इनको डाला है, पानी भी डाला है, और इनके जो बच्चे हैं वो भी दाना पानी खाकर इस साइड पे सुकून से बैठे हैं। और ऊपर वाली साइड पे जी ये हमारी जो हीर है ना, ये बैठी हुई है अंडों के ऊपर। और दोस्तों इसका जो रांझा है ना, वो उड़ चुका है, और उड़ कर जाकर सामने वालों के जाल के ऊपर बैठ गया था कल रात को, वापिस ही नहीं आया। और जब मैंने आज सुबह अगर देखा है उसको, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ दोस्तों। शायद इधर देख जाए, केज के अंदर बैठा हुआ है। ये चेक करें जी, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, शायद आपको दिख जाए। ये चेक करें जी, ये जो मेरी फिंगर के पास है ना, ये वाला है जी रांझा। इसका जो रांझा है ना, वो बैठा हुआ है लाल परों के अंदर, जो केज के अंदर मौजूद है इस टाइम। भाई ने पकड़ लिया, और इसका ही था, इससे ही लिया था। और ये दूसरी बार इसके पास जा चुका है। अब मेरा बिल्कुल भी माइंड नहीं है कि मैं इसको वापस लूँगा। हमारी जो हीर के बच्चे निकलेंगे, वो मैंने वैसे भी खुद हैंड टेम करने थे, तो हीर के लिए जो है ना, वो नया रांझा लेके आएंगे। तो तभी तक के लिए ना, हीर को ऐसे ही अंडों पर बैठा रहने देते हैं। और हमारा जो राजा है ना जी, हमारी पोगो के पीछे ही पड़ा रहता है। ये देखें, हमारी पोगो के पीछे ही पड़ा रहता है, जब देखो तब पोगो के पीछे। ओए 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 ओए।
और ये जी हमारे भाई अहमद भाई आए हुए हैं छत पे हमारे साथ ये व्लॉगिंग देखने के लिए और मुर्गों का शो करने के लिए और बेसिकली पतंगे उड़ाने के लिए आए हुए हैं हमारे पास। टीम सबको दाना पानी डाल दिया। हाँ भाई तेरा किंग जो है ना आ रहा है थोड़ी देर में, इसका किंग आ रहा है जी वापस। और पप्पू के लिए भी दो फीमेल लानी है मैंने, अब देखते हैं जी कि कब लाते हैं। चलें भाई उस साइड पे चलते हैं थोड़ा सा, एक बार ना हम बेंगम को देख लेते हैं बेंगम ने दाना खाया कि नहीं खाया। लड़ने में तो ये शेर है, ले जी दाना इसने बिल्कुल नॉर्मल सा खाया हुआ है। हाँ भाई मौज में है, ओए काटता तो नहीं। तो दोस्तों आज का व्लॉग इधर तक ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।